हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते। मैं ज्योति वर्धन आज आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्राई सीज़न में, विंटर सीज़न में अपने स्किन का कैसे ख्याल रखें, कैसे केयर करें। एक्चुअली विंटर सब आने वाले हैं, तो इसी के लिए बस मेरा एक वीडियो है। बस कुछ ही कुछ मैं टिप्स आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप उसे अप्लाई करें और फिर बताएं कि कैसा लगा और क्या आपको उससे फ़ायदा मिला या नहीं। तो सबसे पहला मेरा टिप्स है कि आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे सीज़न कोई भी हो, गर्मी हो या फिर ठंडी का मौसम क्यों ना हो। ठंडी के मौसम में ऐसे भी आपको अच्छे से क्वांटिटी में 6 से 7 ग्लास मिनिमम इन अ डे ज़रूर पीना चाहिए। 4 से 5 लीटर आई थिंक काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं, टू मच भी नहीं होना चाहिए और लेस भी नहीं होना चाहिए, राइट। और पानी आपको काफ़ी हाइड्रेट रखेगा और जो भी अशुद्धियां हैं वो भी एक्चुअली पानी निकालता है, तो सो आप पानी ज़रूर पिए और अच्छी क्वांटिटी में पानी पिए। विंटर सीजन में हमेशा एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लिप्स। हमारे लिप्स हमेशा ड्राई ही हो जाते हैं, इवन मेरे लिप्स भी हमेशा ड्राई हो जाते हैं। तो मैं कुछ चीज़ में हमेशा अप्लाई करती हूँ और वो है अपनी नाभि में सरसों तेल का इस्तेमाल करना। रात में सोने के वक्त सरसों तेल का इस्तेमाल मैं ज़रूर करती हूँ, सो आप भी ज़रूर करें और देखें कि कैसा होता है इफ़ेक्ट। हालांकि ये हर दिन करना चाहिए और इसका धीरे धीरे रिजल्ट आता है, आप इसको छोड़ेंगे तो फिर रह जाएगा ये। तो आप नाभि में अपने बेली बटन में हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करें, लगाएं और फिर आप सो जाएं। मेरा तीसरा रेमेडी है अपने फेस के लिए कि आप फेस पे ऐसा क्या लगाएं कि इंस्टेंट शाइन भी आए, थोड़ा सा ग्लो भी आए और मॉइस्चर भी रखें, वो है शहद। शहद को आप अपने फेस पे लगा भी सकते हैं और सुबह में सुसुम पानी के साथ, हल्का ल्यूक वार्म वाटर के साथ शहद को आप मिला के उसको पी भी सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा है और आपके ग्लोइंग स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, मॉइस्चर भी रखेगा और थोड़ा सा ग्लो भी रखेगा। इसे फेस पे कैसे अप्लाई करना है? फेस पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच शहद लें और उसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। मिनिमम 10 to 15 मिनट्स इसको ज़रूर आप रखें और फिर इसे आप हल्का सा सर्कुलर मोशन में रब करते हुए निकाल लें। पानी से आप केवल धो सकते हैं, इसमें खास चिपचिपाहट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको चिपचिपाहट लगती है तो आप क्लिंजिंग मिल्क का तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्लियर करेंगे, अदरवाइज फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ये है तीसरा रेमेडी। चौथा रेमेडी है कि रात में सोने के वक्त आप अपने स्किन पर कोई भी ऑयल ज़रूर लगाएं, जैसे आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इवन आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें हमेशा घर में होती ही हैं, तो आप इस्तेमाल करें और फिर बताएं कि कैसा ये विंटर आपका कैसा गया। मेरा पाँचवा और सबसे आसान होम रेमेडी है एलोवेरा। एलोवेरा जेल आप ज़रूर इस्तेमाल करें। एलोवेरा आपके घर में भी आई थिंक होगा, अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एलोवेरा का थोड़ा सा पोर्शन कट करें और उससे जेल निकालें और स्पून की सहायता से उसे स्मैश करें और फिर अपने पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लें। आप सुबह सुबह भी ये कर सकते हैं, आप रात में भी ये चीज़ कर सकते हैं, आप कभी भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का कोई, एलोवेरा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये इंस्टेंट आपको, आपकी स्किन को क्लियर भी करता है और एक हल्का सा शाइन ज़रूर देता है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। और एलोवेरा कुछ लोग खाते भी हैं अगर पॉसिबल है, हालांकि टेस्ट में थोड़ा सा लगता है, चिपचिपा सा फील आता है, लेकिन अगर आप खा सकते हैं एलोवेरा को यूं ही उसके पल्प को निकाल के, तो आप वो भी ज़रूर खाएं। और एलोवेरा के जेल को खाने से, जो शुद्ध एलोवेरा जेल होता है प्लांट वाला, मैं ख़रीदा हुआ एलोवेरा जेल नहीं कह रही हूँ, जो शुद्ध प्लांट वाला जो एलोवेरा जेल होता है उसको आप लगाएं,
और उसको आप खाएं भी उसके पल्प को, और फिर आप देखें कि कैसे आपका जो स्किन है वो भी हाइड्रेट हो जाएगा, लिप्स जो है वो भी हाइड्रेट होगा, लिप्स में भी दरारे बहुत कम से कम ही आएंगी, चाहे विंटर्स कितना भी क्यों ना हो। तो मेरे ये 5 रेमेडीज़ आपको कैसे लगे आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट में शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।